आजिज़ नाचीज़ गुनाहगार ने आपके सामने कुराने पाक के आयते करीमा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला का पाक कलाम है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ मेरे रसूल, मैंने आपको नहीं भेजा लेकिन आलमीन के लिए रहमत बनाकर। उलमा किराम फरमाते हैं 18,000 आदम हैं, बच्चा माँ के पेट में है ये आलम, बच्चा दुनिया में आ गया ये आलम, बच्चा कब्र की पेट में चला गया ये आलम, हशर आलम, रोजे क़यामत अल्लाह के बंदे रब की बंदियां रब के हुजूर पेश होंगे ये आलम। इस तरह से जमीन और सियारे ये तमाम के तमाम आलम। और कुरान पाक फरमाता है, मेरे महबूब, मैंने आपको हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। किस तरह से, मुख्तसर चंद बातें अर्ज करूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। दुनिया शिर्क से पुर थी, लोग कोई बुत की पूजा करता, कोई सूरज की पूजा करता, कोई चांद की पूजा करता, कोई दरख्तों की पूजा करता, कोई आग की पूजा करता। रसूल पाक ने आकर तौहीद का सबक सिखाया। ये जमीन जिस पर शिर्क हो रहा था, ये इस जुल्म पर रोती थी, अल्लाह से फरियाद करती थी, या अल्लाह कब वक्त आएगा लोग तुझे सजदा करेंगे, या अल्लाह कब वक्त आएगा लोग तेरी इबादत करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, लोगों को अल्लाह को सजदा करना सिखाया। जमीन के लिए रसूल पाक रहमत बनकर आए।